नमस्कार, हरिओम। पहले तो आप सबको इतना सारा प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आज रिपब्लिक वर्ल्ड का एक बहुत सुंदर कॉन्क्लेव था स्त्री शक्ति के ऊपर, एंड आई वॉज स्पीकर देयर। और इंटरव्यू, बातचीत, डायलॉग जैसा था। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो अभी अभी हम बस वहीं से फ्री होकर गुड़गांव में था और लौट रहे हैं, और एक और इवेंट में जाना है। सो आई जस्ट थॉट कि क्विकली छोटा सा बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो ऑन डिमांड है, और आप लोगों से बहुत सारे हमको उसके रिक्वेस्ट आ रहे थे, और वो है अपनी बौद्धिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं। तो पहले तो रिपब्लिक भारत पे जाके वो पूरा आधे घंटे का हमारा टॉक है, बातचीत है, वो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। शायद आपको भी जीवन में कुछ मोटिवेशन हो उसको देख करके, अच्छा लगे। जब हम बौद्धिक क्षमताओं की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता आजकल लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत भूलने लगे हैं? जैसे नाम भूल जाना, जैसे डेट्स भूल जाना, जैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट भूल जाना, और वो कितना आम हो गया है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा हर वक्त गैजेट से घिरे रहना, और हमारे हर काम में डिस्ट्रैक्शन होना। यानी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट इट इज़ हैपनिंग। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि हम उस डिस्ट्रैक्शन को, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, चाहे वो जेनेटिक है, चाहे वो और रीजंस की वजह से हो रहा है। हमने पीछे एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, हमारी जो ब्रेन ड्रेन हैबिट्स, वो कौन सी ब्रेन ड्रेन हैबिट्स हैं जो हमारे ब्रेन को एक्चुअल में ड्रेन कर रही हैं। और आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया था। बट आज उसका हम उल्टा कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं 7 ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे आज का, 7 ऐसी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और आपके जीवन में अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, एक हेल्दी ब्रेन पा सकते हैं। तो सीधा सीधा हम इस विषय पर बातचीत शुरू करते हैं, बिना ज़्यादा बात और विषय पर किए हुए। तो अगर हम ब्रेन को अपने बेटर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, वो करनी है अपने नींद पर चेक रखना। सो हैव अ साउंड स्लीप, एंड ट्रस्ट मी, ये जो अभी की जनरेशन, नॉट जस्ट दिस जनरेशन, लाइक इन प्रेजेंट सिनेरियो, एक चीज़ शुरू कर दिया है कि हर कोई रात को 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है। कितनी सरप्राइजिंग सी बात है। समबडी वाज टेलिंग मी फ्यू डेज बैक कि गुरुजी, पता है अब तो ना मूवीज़ के शो भी रात को 12 से सुबह 6 बजे तक चलते हैं। हमने कहा, हम लोग जब छोटे थे तो 9 से 12 लास्ट हुआ करता था, फिर ये 1-1, 2-2 बजे तक मल्टीप्लेक्सेस में होना शुरू हुआ। और अब अगर 6 बजे तक सुबह मूवी के शो चल रहे हैं, दैट मीन्स कि हम उल्लू बन चुके हैं। उल्लू इन द सेंस, क्योंकि उल्लू ही रात को जगता है ना। मनुष्य तो रात को सोता है क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर 2 हॉर्मोन्स हैं, मेलाटोनिन कॉर्टिसोल, एक स्लीप हॉर्मोन है, एक स्ट्रेस हॉर्मोन है। सनलाइट के साथ स्ट्रेस हॉर्मोन जागृत होता है, अंधेरे के साथ स्लीप हॉर्मोन जागृत होता है। लेकिन हम हॉर्मोनल इम्बैलेंस करने को तैयार हैं, हम ब्रेन खत्म करने को तैयार हैं, हम अपना मेटाबॉलिज्म जीरो करने को तैयार हैं, हम मोटे होने को तैयार हैं, ओबीज होने को तैयार हैं, हम डिजीजेस लेने को तैयार हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम टाइम पे सो नहीं सकते। तो ये तो भाई बहुत ही बुरी बात है। तो अगर आप सीरियसली स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं आपका ब्रेन, देखो ब्रेन सिर्फ याददाश्त, मेमोरी, विजडम तक ही सीमित नहीं है। हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होता है, हम आपसे बात कर रहे हैं, जबान चल रही है, ये ब्रेन की वजह से हो रहा है। हम ऐसे हाथ हिला पा रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? वो ब्रेन से हो रहा है। सो ब्रेन, जब आप थोड़ा सा भी एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा ब्रेन इज द की। तो इस ब्रेन को हमें हेल्दी रखना जरूरी है। आप देखते हैं ना, जिसका ब्रेन हैमरेज हो गया, खत्म हो गया, ब्रेन काम करना बंद कर दिया, बॉडी मूव करना बंद कर देती है। सो ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमको बहुत अच्छे से स्लीप लेनी है। मतलब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम बेस्ट है। कोशिश करो कि समय से सो, समय से जगो, आधी से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। हमको लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट माई बॉडी, बट नो, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रेन। तो फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप कुछ भी और करें, बट फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर 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 अपने डे टू डे जीवन में ज़रूर उतारें, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। फिर हम क्या खाते हैं? एक न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, मतलब जिसमें हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले। और सही मायने में तो अगर देखा जाए, जो हमारा पारंपरिक भोजन है, जिस भी प्रदेश के आप हैं, या तो रोटी सब्जी दाल चावल, या फिर सांभर इडली डोसा, तो जो आपका स्टेपल डाइट है वो बहुत बहुत ही हेल्दी है।
मतलब अगर हम और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं डाइट में, हम सोचे हम घर का मतलब है नहीं पूरी छोले भटूरे टाइप बन रहे हैं, मतलब वंस इन अ ब्लू मून इज ओके, लेकिन घर का खाना का मतलब है कि जो आपका सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल, दाल रोटी खा ली, दाल चावल खा लिए, सब्जी रोटी खा ली, कोई भी एक चीज़ ले ली इनमें से, खिचड़ी खा ली, दलिया खा लिया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में ये कभी भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होने देंगी। तो हमको कोई भी फैंसी डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ भी ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है जो भाई विदेश से पैक होकर के आ रहा है। नहीं, जो आपका घर का खाना है वो आप रेगुलर खाइए, वो आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स देता है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग समथिंग न्यू, मेक श्योर आप कुछ नया, कुछ नहीं और आपको समझ में नहीं आ रहा, भारत योग की क्लासेस ज्वाइन कर लो सुबह शाम की, आप कुछ नया सीखोगे, आपका ब्रेन देखना ब्रेन काम करने लगेगा। अभी हम बुजुर्गों में ये चीज़ देख रहे हैं जिन्होंने, अब तो हम रिटायर हो गए, जबकि रिटायर मीन्स रिटायर, हमको नए टायर लग गए, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने सब करना छोड़ दिया। तो जब ब्रेन खत्म, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी बंद हुई, कुछ नया नहीं सीख रहे, कुछ नया नहीं कर रहे, तो हमारी फिजिकल, फिर ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, फिर डायबिटीज हो गया, फिर शुगर हो गया, कितनी सारी चीज़ें। तो हमको अपने, फिर अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, तो हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने ब्रेन को एक्सरसाइज देने के लिए कुछ नया ज़रूर सीखते रहे। क्विट योर स्क्रीन टाइम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्विट नहीं कर सकते तो कम से कम उसको मैनेज कर लो, एक टाइम निर्धारित करो कि भाई मुझको इसी ही टाइम पर जो है स्क्रीन देखनी है, पूरा दिन मोबाइल हाथ में लेके, यू नो यू आर गेटिंग ऑल दी उसके जो सिग्नल्स हैं विच आर सो हार्मफुल फॉर योर हार्ट, सो हार्मफुल फॉर योर बॉडी, सो हार्मफुल फॉर योर ब्रेन, या कान में लगा के घंटों बातें कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। और सेकेंड लास्ट इज कि हमको प्रकृति के सानिध्य में समय ज़रूर बिताना है, मेक श्योर 20 मिनट्स आप घर से बाहर ज़रूर निकलें, आप फ्रेश एयर में, अभी भी देखो ना, हम तो अभी प्रोग्राम करके आ रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम में जाने, उतने में ही थोड़ी सी धूप ले लो, कितना अच्छा लगता है, चेहरा भी दमकता है, पता नहीं किसने आपको कह दिया कि सूरज की रोशनी में रह के आप काले हो जाओगे, अरे आपका तो भगवान भी काला है, क्यों चिंता कर रहे हो, वो काला है एक बांसुरी वाला, तो कोई काले नहीं हो जाओगे, और हो भी जाओगे तो सुंदर रहोगे। तो ये रेसिज्म से बाहर निकलो और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताओ। एंड लास्ट इज रेगुलर योगाभ्यास, और अगर आप भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो आपका सब कुछ हो जाता है। देखो आपको डाइट क्या लेने हम बता देते हैं, कुछ नया आप सीख रहे हो, एवरी डे न्यू रूटीन, प्रकृति के सानिध्य में हम आपको ज़रूर समय बितवाते हैं, रेगुलर अभ्यास आप करोगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और 9599945964 व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप हमारे ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस दिमाग को की बत्ती जला दीजिए और इस दिमाग को ड्रेन होने से बचाइए, जो आज आपको बताए गए तरीके उनको अपनाइए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं, कल फ्राइडे फैक्ट्स का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम। आज के लिए इतना ही।